अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए बहुत अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने चंद दिन पहले जिस केस का ताना दिया उस पर बात नहीं करना चाहते। जजेस पर तनकीद और ताकतवर का ताना हमें ना दें, जजेस पर एतराज करने वाले थोड़ी एहतियात करें। वजीर आजम ने खुद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी, साथ ही उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि एक साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमे का फैसला होने जा रहा है, हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता साल 3,100 मजिस्ट्रेट और जजेस ने 36 लाख केसेस का फैसला किया है। वसाइल के बगैर जो अब तक हमने किया है, शायद मुआशरे को उसका इतना इल्म नहीं। हम एक्चुअली एग्जैक्टली आपको सुनवा देते हैं कि क्या कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट। मोहतरम वजीर आजम साहब ने बड़ा खुश आयंद ऐलान 2 दिन पहले किया कि इंसाफ के सेक्टर में वो तब्दीलियां लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए हम किसी और महकमों से निकाल के हम आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये मैं इस बात का खैर मकदम करना चाहता हूँ। इस अभी तक हमने जो कुछ अचीव किया विदाउट रिसोर्सेज, अब हमें वाकई रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही थी और बहुत ही टाइमली उनका ऐलान है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ और भी फरमाया ताकतवर और कमज़ोरों के बारे में। वो मामला चूँकि जिस तरफ उनका इशारा था वो मामला पेंडिंग है, तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ आपके थ्रू, सारे मुल्क को बताना चाहता हूँ, साइजिंग दम, ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वजीर आजम साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात किए रहें। और हम सबको बहुत उम्मीद है कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी मेहनतें हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिसक्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब, वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना था कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालिफाई किया। और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करें, ये जो आज रिस्पांस हमें नजर आता है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, तो 2 दिन पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ने हजारा मोटरवे का इनॉग्रेशन करते हुए जहाँ अपने सियासी मुखालिफिन पर खूब तनकीद की थी, वहीं अदलिया से भी दरख्वास्त की थी कि मुल्क को इंसाफ देकर आज़ाद करें, ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून का जो तासुर है, जो परसेप्शन है, उसको उन्हें खत्म करना चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर से 2 डेज अगो, लेट्स लिसन टू हिम आल्सो। जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं, ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को ब्रीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस है, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। मैं अपने जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार को कहना चाहता हूं, हम पूरी आप
जी, जैसा कि आपने सुना जो वजीर आजम साहब की जानिब से दिन पहले कहा गया और फिर आज जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिस्पॉन्ड सामने आया, हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और नाज़रीन, कुछ अरसे पहले तक ख्याल किया जा रहा था कि हुकूमत और इदारों के दरमियान शायद कुछ बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये जो हालिया बयानात का सिलसिला हमें आता नजर आ रहा है, तो क्या अब ताल्लुकात में वो बैलेंस नहीं नजर आ रहा? कल हम देखते हैं कि चेयरमैन नैब भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान देते हैं और कहते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, और पिछले दिनों आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें भी काफी जो है खबरों में रही और काफी उन मुलाकातों पर भी सवालात उठाए जाते रहे। वजीर आजम दो दिन की छुट्टी करते हैं तो उनकी मुस्तकिल छुट्टी की बातें जो है वो सामने आती रही, तो ये क्या तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पर मौजूद है या नहीं है? क्या ये तासुर कायम है या ये तासुर टूटता नजर आ रहा है? हम अपने आज के शो में बात करेंगे कि आगे सियासत में क्या होने जा रहा है, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन पंजाब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ मौजूद है जनाब सैयद हसन मुर्तजा साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, सिंस आज चीफ जस्टिस साहब के जो बयानात हैं वो हुकूमत की तरफ मुखातिब करके कहे गए हैं, तो ये जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने आज की स्टेटमेंट में कहा बयान में कि वजीर आजम ने जिस केस का ताना दिया है उस पर बात नहीं करना चाहते और जजेस पर तनकीद और ताकतवर का ताना हमें ना दें, जजेस पर एतराज करने वाले थोड़ी एहतियात करें, तो इस बयान को, आज के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच नीलम फॉर इनवाइटिंग मी। गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली दोनों इंतहाई ऑनरेबल शख्सियात हैं, एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, दूसरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी अपनी परसेप्शन है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पूरे मुल्क की आवाम की या कम अज़ कम एक बड़ी जमात की तर्जमानी करते हैं, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं ऑब्वियसली वो अपने जो उनका पूरा एक लीगल फ्रेटर्निटी है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जो उन्होंने बेहतर समझा उन्होंने कहा। आज फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी गालबन उनको कुछ बातें पीएम साहब की शायद नहीं पसंद आईं तो उन्होंने उनको आगे से ऑब्जेक्ट किया, तो दोनों का राइट है। मैं समझता हूँ कि मैं भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर आज माजरत के साथ ये परसेप्शन तो है कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए और कानून है और जो गरीब है कमज़ोर है उसके लिए और कानून है, तो ये क्यों ये तासर बना है ये सब जानते हैं किस तरह पिछले चंद दिनों में या पिछले काफ़ी सालों से दहाइयों से जो एक परसेप्शन इस तरह क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यकीन करता हूँ कि हमारे जो इस वक्त वाकई पीएम साहब ने भी कहा कि अजीम चीफ जस्टिस वो इंतहाई एक काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं, मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, और वो मैं देख रहा हूँ, हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके लेवल पे। लेकिन यहाँ पर बड़ा आज उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वजीर आजम ने खुद नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दी थी और इस केस की जो मॉड्यूलिटीज हैं वो सिर्फ अदालत में जो है डिसाइड की गई हैं, तो उन्होंने बड़ा डायरेक्ट कहा है कि वजीर आजम ने खुद इस केस का फैसला किया था, अदालत ने फैसला नहीं किया, अदालत ने जो कंडीशन थी सिर्फ उनको जो है मजीद वेरीफाई किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक बात की है, बिल्कुल मुझे एतराज नहीं है। पीएम साहब का इशारा सिर्फ एक वाहिद केस की तरफ नहीं था, वो पीएम साहब को भी पता है, कैबिनेट को पता है, हमारी सारी आवाम को पता है कि कम से कम कल जब मियां साहब तशरीफ़ लेकर गए उससे पहले तक तो यही था कि जी बहुत शदीद बीमार हैं और हम बिल्कुल भी उनकी जान के साथ नहीं खेलना चाहते थे, तो इसलिए कैबिनेट ने वो किया। तो पीएम साहब ने कोई एक फ़कत एक जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस है उसकी तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, और काफी सारी चीजें हैं। ऑलराइट,
ठीक, यहाँ पर हम ऑपोजिशन का भी पर्सपेक्टिव लेंगे आज की इन स्टेटमेंट्स के हवाले से। सैयद हसन मुर्तजा साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, ये जो अब आज हम देखते हैं चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़ा अहम बयान देते हैं और वो बड़ा डायरेक्ट जो है एड्रेस करते हैं हुकूमत को, और उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि नवाज शरीफ के केस के हवाले से उन्होंने अपना मौकफ वाजे किया है कि हिदायत वजीर आजम ने दी थी और फिर इस केस की जो जुजियात थी वो अदालत ने तय की थी। तो इस बयान को किस तरह से देखा जाए, क्या वजाहत करने की कोशिश की जा रही है अदलिया की जानिब से? बहुत शुक्रिया नीलम। देखें, ये जो चीफ जस्टिस साहब का आज का जो बयान था या उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया है, तो वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं मैं नहीं समझता कि कभी भी उन्होंने कोई बयान दिया हो, कोई इस किस्म का उन्होंने सो मोटो लिया हो या कोई उनका, वो बड़े प्रोफेशनल आदमी है और बड़ा अपने मनसब से वो इंसाफ भी कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो यही वजीर आजम साहब जो थे, ये माजी में जब कोई दूसरी हुकूमत की तरफ से इस किस्म का अदलिया के खिलाफ बात होती थी या अदलिया के मुतालिक बात होती थी तो फौरन रिस्पॉन्ड करते थे और कहते थे कि अदलिया आजाद है और अदलिया के बारे में इस किस्म की बात करना और ये। और अब जो रवैया खान साहब का है, उस इफ्तिताह जिसको वो इफ्तिताह कर रहे थे उस पे उन्होंने जिस तरीके से ऑपोजिशन को लिया, जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को लिया, और वो एक इसी केस की खातिर उनका ये जो रवैया था और जिस वजह से वो कर रहे थे, चूंकि ये खुद उन्होंने किया हुआ था और वो उस किए धरे का जो मलबा था वो सारा अदलिया पे और इस तरह वो बांट रहे थे कि किसी पे पड़ जाए, और मेरा वो जो था कि एनआरओ नहीं देना, फ्ला नहीं करना, ये नहीं करना, तो मैं उससे बच जाऊं, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उन सारी चीजों की। लेकिन यहाँ पर सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब मामलात ये नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर हुकूमत अदलिया पर और अब अदलिया हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रही है, तो ये हालात इस नौबत पे आते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन क्यों है आखिर, या मामला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी एक मेरे भाई ने कहा कि मियां साहब तो चलते फिरते बीमार नहीं थे, और दूसरा वजीर आजम साहब का जो बयान था कि जी ताकतवर करिए और कानून और कमजोर करिए और करूँ। देखो, पी टी आई की हुकूमत जब से आई है, इमरान खान से लेकर इनके क्या वर्कर्स क्या वजरा एक ही चरटर लगाते हैं, और जब भी हमारी लीडरशिप को कोई रिलीफ मिलता है अदलिये से तो ये चीज़ रिपीट करते हैं, अदलिये को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं कि देखो जी पाकिस्तान में गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और है, और ताकतवर के लिए और है, कमज़ोर के लिए और है। और फिर दूसरी तो आप बात ये कहते हैं कि ये सहूलत अगर इस इनको दी गई है तो बाकी सारी कैदियों को मिलनी चाहिए। तो मैं हमें इसको थोड़ा सा मैं एनालाइज करता हूँ कि ताकतवर के लिए कानून और है और गरीब कमजोर के लिए। और मिसाल देते हैं, नवाज शरीफ और चंगेज तरीन साहब दोनों का केस एक ही किस्म का, एक ही किस्म का जुर्म था। नवाज शरीफ जेल की कोठरी में गुजारता है और उसके एसी और खाना बंद कर दिया जाता है, और जहांगीर तरीन जिस पर वही केस है वो धंधराते फिरते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं, 2200 अरब के वो बजट मंजूर कराते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ बाजी लीमा है जिनके पर अरबों रुपए के वो मनी लांडे का केस है और वो साबित हो गया है, उनको NRO दे दिया जाता है, और मरियम बीवी जिसका वालिद 3 दरबा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, जिसे मुल्क को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने बाकायदा कहा है, मेरी बात यहाँ पर हाशिम डोगर साहब, लेकिन सेनेटर साहब आपने जो हमें मिसाल दी है, लेकिन हमारे सामने जो चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट है, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान ताकतवर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ कि ये इनकी बौखलाहट कर दी जाए। अब मैं मरियम की बात कर रहा था कि मरियम को तो अलीमाबाद जी को तो कुछ नहीं कह रहा, और मरियम को जहाँ जेल में रखा जाता है वहाँ भी वो जो है एक ऐसा कमरा दिया जाता है जिसके बाथरूम के सामने कपड़ा लटकाया जाता है। तो कौन ताकतवर? तो आप हैं, हुकूमत पे आप हैं, आप अपने लोगों को सहूलतें दे रहे हैं, और जो कमज़ोर हैं उनके लिए आप कोई नहीं कर रहे। तो ये तो चीज़ आप ही फिट आती है, और आप खाम फादरियों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि अदलिया ने ये किया वो किया। अगर गदियत से गिला था तो हमें गिला लेकिन था। यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, अब यहाँ पर
जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि अब अदलिया आजाद है, हमने दो वज़ीरे आज़म को सजा दी है और एक को नाअहल किया है और एक साबिक जो है उनका फैसला आने वाला है। तो अब ये इसको किस तरह से देखा जाए? हमने देखा कि दो रोज पहले खान साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो दोनों हैं इनकम्बेंट भी और जो अपकमिंग है, उनको मुखातिब करते हुए वो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को आजाद करें इस परसेप्शन से कि ताकतवर के लिए एक कानून है और कमजोर के लिए दूसरा कानून है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि फिर ये बयान खान साहब ने किसको दिया था? वो अदलिया तो कह रही है कि फैसला तो खुद खान साहब ने किया था इस केस का। देखिए आप इसको क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों हम इसको मोड़ तोड़ के तो सिर्फ एक मियां नवाज शरीफ साहब का जो बाहर जाना है इसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ओवरऑल भी बात की है और ये इस मुल्क में आप चले जाएं किसी ग्रुप से उसकी डिस्कशन सुन लें, लोग ये बिलीव करते हैं कि अभी तक चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं और ठीक फरमा रहे हैं कि जाहिर है काफ़ी तब्दीली उनके डिपार्टमेंट में भी आई है कम रिसोर्सेज के साथ, मगर आई थिंक स्टिल देर इज़ लॉट टू बी डन। और वाकई कानून तो एक ही लाठी के साथ सबको जो है ना वो आगे लेके चलता है, उसमें मेरे लिए कोई और कानून और मेरे साथ कोई अगर वज़ीर आला है उनका कोई और कानून या वज़ीर आज़म या हमारे जो अपोजिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक जनरल बात है और मेरा ख्याल है इसमें डिसएग्री नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हाशिम डोगर साहब पहले तो, जी हाशिम डोगर साहब पहले तो ये क्लेरिफाई कर दें कि हम मरोड़ तरोड़ के कुछ यहाँ पर पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े कहा है कि जजेस अपने काम को इबादत समझकर करते हैं, जजों पर एतराज करने वाले थोड़ी एहतियात करें। हमारी जुडिशरी में 3,100 जजेस हैं और मैजिस्ट्रेट्स हैं। पिछले साल, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, आपने ये कहा कि हम मरोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बीबी, मैंने ये बिल्कुल, आई डिड से दैट स्टेटमेंट आई है, आई डिड नॉट से दैट, आई डिड नॉट से दैट नीलम, आई डिड नॉट से दैट, हमने एज इट इज आपके सामने रखी है। नहीं, आपका मतलब कुछ ऐसे लगा जैसे हम यहाँ पर बैठकर कुछ मरोड़ तोड़ कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। हमने आपको रिपोर्ट किया है एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ साहब के केस को रेफर किया है, तो ऑब्वियसली उसी केस पर हम बात करेंगे। एनीवे मूविंग ऑन, इतनी नहीं जी, नहीं एक सेकंड यू कांट मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। चीफ जस्टिस, मैं कह रहा हूं कि मैंने कब आपकी बात किया, व्हाई आर यू टेकिंग द थिंग्स टू योर ओन साइड, ऐसी बात नहीं है। मैं जो हमारे साथ यहां पे दूसरे दोस्त बैठे हैं, आपका क्वेश्चन ठीक है, देखें पीएम साहब ने परसों बात की, आज चीफ जस्टिस साहब ने की, इस बात का मीडिया में आना कोई गलत चीज नहीं है, लोगों को क्लैरिफाई होनी चाहिए चीजें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, तो अदलिया इसमें अच्छा काम कर रही है, मजीद अच्छा करेगी तो इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इसमें ऐसी कौन सी बात। तो फिर ये इस तरह से आपको कहना चाहिए था हमारे ऊपर रख के जो है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, नहीं होता, आप चेक करें ना, मैंने आई नेवर सेड के मुर्तजा साहब, आई नेवर सेड के मीडिया, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। यहाँ पर हमें आज जज साहब ने यह भी बताया, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमारी जुडिशरी में 3,100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं। पिछले साल इन मैजिस्ट्रेट्स और जजेस ने 36 लाख केसेस का फैसला किया था और इन 36 लाख में से शायद एक या दो ताकतवर और बाकी सब नातवां और कमजोर लोगों के केसेस थे। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को अपनी इस किस्म की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों पेश आई है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ कानून को ताकतवर समझते हैं। एक वजीर आजम को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कॉन्डक्ट किया गया है और एक को डिस्क्वालिफाई किया गया है। जी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो जैसे फरमाया है, हम उनकी विधेयक की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके लहजा भी अब क्या किया जाए, कि उनको पहले तो हम सुनते थे कि हमेशा जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं, तो आज चीफ जस्टिस साहब को क्यों आना पड़ा, उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इमरान खान है कि क्यों, अगर वो इस तरह की तनकीद चीफ जस्टिस का नाम लेकर, ये कहाँ की मतलब है इंसाफ है, ये कहाँ का कोई तुक है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको समझना चाहिए कि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का क्या इदारों को ऐसे लड़का जाता है, उनका कोई तरीका होता है कि जी आप चीफ जस्टिस साहब फलां, चीफ जस्टिस साहब फलां, चीफ जस्टिस साहब, भाई हर कोई अपने इदारे में रह के काम कर रहा है, आप अपने काम ठीक है, आप अपनी गवर्नेंस ठीक करें, आप अपनी मुल्क की माशी हालत को ठीक करें, आप मुल्क के तरक्याती काम करें, आप मुल्क में बेरोजगारी को कम करें, मुल्क में महंगाई को कम करें, लोगों को बच्चों को रोजगार दें, बजाय इसके कि आप कभी अदले पे चढ़ दौड़ते हैं, कभी किसी और इदारे पे चढ़ दौड़ते हैं।
मेरे ख्याल में ये सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर की इमेजोरिटी की वजह से हो रहा है, और मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है कि 1.5 साल तक तकरीबन हो गया इलेक्शन को और इनकी हुकूमत आए हुए 15 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई इनको समझ नहीं आ रही इस किस्म की, क्या ये लहजा क्या इसको वज़ीर आज़म को जेब देता है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर काफी सवालात हैं कि नैब है, कल नैब चेयरमैन का हमारे सामने बयान आता है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। हम मजीद इन मामलात को डिस्कशन में लेकर आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज चीफ जस्टिस साहब का जो स्टेटमेंट सामने आता है उसमें वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान नहीं। अब अदलिया आज़ाद है, हमने दो वज़राए आज़म को सजा दी और एक को नाअहल किया है और एक साबिक का फैसला जल्द ही आने वाला है। अब सवालात यहाँ पर ये उठाए जा रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस साहब को ये स्टेटमेंट देने की नौबत ही क्यों सामने आई। हम यहाँ पर सैयद हसन मुर्तजा साहब आपकी जानिब आएंगे, हमारी जो गुफ्तगू अभी तक सामने आई है वो इन तमाम मामलात को लेकर आ रही है कि जो एक परसेप्शन था कि तमाम इदारे एक पेज पर नजर आ रहे हैं, तो क्या अब ये जो हालिया बयानात है, कल नैब चेयरमैन का बयान आता है वो कह रहे हैं कि हवाओं का रुख अब तब्दील हो रहा है और आज हमें चीफ जस्टिस जो है वो एक पर्टिकुलर केस के हवाले से जो है स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं, तो इससे क्या अक्स किया जाए कि जो ये एक पर्टिकुलर केस है जिसकी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद इशारा किया, उस मामले को लेकर तमाम इदारे एक पेज पर नहीं है, हुकूमत किसी और पर जिम्मेदारी डाल रही है और अदलिया फिर उसको क्लेरिफाई कर रही है, क्या फरमाइएगा? देखें जी, ये जो कल इमरान साहब ने परसों गालबन वो स्टेटमेंट दी या कल दी किसी मोटरवे का इफ्तिताह करते हुए, तो ये इमरान खान साहब या पीटीआई का ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। वो हमेशा उनका ये रवैया रहा है कि जब वो कंटेनर पे थे तो उस वक्त भी वो OAIG, OADIG, OSP, ओ चीफ सेक्रेटरी, ओ होम सेक्रेटरी, ओ फलां, ओ वज़ीर आज़म, ओ रबर स्टैम्प, ओ चोर असम्बली, जेली असम्बली, झूठी असम्बली, ये उनका एक वतीरा रहा है कि वो हमेशा इदारों पर चढ़ाई करते हैं और फिर अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। लेकिन यहाँ वो मेरे ख्याल में किसी गलत सुराख में हाथ डाल बैठे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल और सारा कुछ वो बड़ा मेरिट पे और सबको इंसाफ के साथ और इस किस्म का जो उनका रवैया है, जिस दिन से वो आए हैं मेरे ख्याल नहीं है कि किसी भी इदारे को उन्होंने छेड़ा हो, किसी के काम में मदाखलत की हो, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो खान साहब ने कल भी जिस तरह डायरेक्शन देने की कोशिश की और जिस तरीके से आने वाले चीफ जस्टिस साहब पे भी रोक जमाने की कोशिश की, तो ये उनका वतीरा है। अक्सर औकात इसी तरह वो करते हैं और इसी तरह वो अपने मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। और नवाज शरीफ साहब के केस में भी उन्होंने यही किया कि खुद वो इतना उनमें हौसला नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का वो सामना कर सकें, किसी को फेस कर सकें, वो बड़के हैं किसी भी विलन वाली या किसी भी फिल्मी सीन की। वो जितनी देर वो मारते रहते हैं वो काम चलता रहता है, अगर आगे से कोई सामने आ जाए तो फिर वो दुम दबा के भाग जाते हैं। नवाज शरीफ साहब वाले केस में भी नीलम इसी तरह ही हुआ कि वो बिल्कुल जब उन्होंने देखा कि अब मियाँ साहब की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है और ये मुद्दा मेरे गले पड़ गया तो शायद मैं ये उठा नहीं पाऊंगा, लेकिन जितने मुद्दे उन्होंने अपने गले डाल लिए उठा उन्होंने वो भी नहीं पाने। और आज आप देख रही हैं कि आज जब चीफ जस्टिस साहब ने बयान दिया, पूछ लेते हैं पर हाशिम डोगर साहब, अब ये अदलिया का हमने आपके सामने बयान रख दिया है, चेयरमैन नैब का भी बयान आपके सामने है जो कल दिया गया है, अब हम आ जाते हैं जो रहबर कमेटी है ऑपोजिशन की, उनके जो मेंबर्स हैं वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने जमा हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जो तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस है उसकी डेली ग्राउंड्स पर हेयरिंग करने का जो है मुतालबा किया है। हम सुनवा देते हैं कि एग्जैक्टली क्या मीडिया टॉक की गई अकरम दुरानी साहब की जानिब से कि इस केस का फैसला आते ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसका क्या हाल होता नजर आता है। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट, देन वी विल गेट बैक टू यू। तो हम आज सब नौ जमातों के रहबर कमेटी के मेंबरान आए हैं और यही हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से हम यही इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि चूंकि 5 साल का वक़्त बहुत ज़्यादा अरसा था और ये गैर मामूली केस नहीं है, अहम नौयत का केस है और अभी साबित भी हो चुका है कि उसमें हिंदुस्तान से भी, अमेरिका से भी और पूरी दुनिया से लोगों ने पैसे भेजे हैं, हुंडी के जरिए भी आए हैं,
डायरेक्ट चेक भी आए हैं, तो हम अभी इलेक्शन कमीशन से यही दरख्वास्त करते हैं आपके मीडिया के जरिए कि खुदारा जो रियासे मदीना का नाम ले रहा है तो वहाँ पर जो खलफात है उन्होंने तो अपने आप को फौरन पेश किया। इमरान खान अभी क्यों भाग रहा है? तशवीश है सब सियासी जमातों को कि ये केस क्यों अल्तवा में रखा गया है। कुछ केसेस जी यहाँ पर हाशिम डोगर साहब, जैसे कि आपने अभी सुना अकरम दुरानी का क्या कहना था, अब ये जो इलेक्शन कमीशन में मामला ले जाकर फॉरेन फंडिंग केस है, ये आपको क्या लगता है कि क्या ये केस हुकूमत के लिए चैलेंज बनता नजर आएगा? मैं पहले आपकी इजाजत से थोड़ा सा, जस्ट वन लाइन, थोड़ा सा ये परसेप्शन दी जाने की कोशिश की, मेरे भाई हैं ये हमारे बहुत ही काबिल इज्जत पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी बैलेंस बात करते हैं। पीएम साहब ने कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि उनके मुतलका बात ही नहीं की और ये भी कहा कि जी वो नहायत काबिल इज्जत हैं। हम तो उनसे और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट की, जी मेहरबानी करें और हमारा ये कर्ज। एनी हो, कमिंग टू दिस पॉइंट, सबसे पहले तो मैं दुरानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो इनका प्लान ए था, बी था, अब ये सी है जिसकी तरफ वो अभी आ गए। इनका ए से पहले भी एक प्लान था जिस पे वो अभी तक एक ही चीज़ में कामयाब हुए हैं, इस बात पे कि जो 100 और कितने दिन हो गए कश्मीर का मसला जो इन्होंने दबा दिया, ख़त्म कर दिया, इस पे ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यही इनका एजेंडा था। लोग पूछते हैं वो लेने के आए थे वापस, वो यही लेने आए थे कि इस मुल्क में जिस दिन से वो आए और कुछ नहीं, कम अज़ कम तज़करा होता था, आपके टॉक शोज़ में बात होती थी, हम आपस में बैठ के बात करते थे, बेहतरीन तरीके से इन्होंने उसको वाइंड अप किया। कश्मीर का नाम लेना बंद, प्लान ए बी, अब ये सी है, चलें। जैसे इंशाल्लाह ए और बी गुजर गया है, ये सी भी गुजर जाएगा। तो चूंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन में है, उसकी भी एक अदालत की हैसियत है, प्रेजुडिस है, मैं इस पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन यहां पर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं हाशिम डोगर साहब के, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर पीटीआई बेकसूर है तो वो क्यों कह रही है कि मुकदमे की जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स है वो खुफिया रखी जाए। पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मियाद जो है वो खत्म हो जाए ताकि मुकदमे की कार्रवाई गैर मुअसर हो जाए, तो ये फिर इस किस्म का परसेप्शन क्यों डेवलप हो रहा है? देखें, ये उनका कहना है, एहसन इकबाल साहब कभी भी कोई एहसन बात तो नहीं करते, इधर उधर की करते हैं, बदकिस्मती से बड़े हाई पोर्टफोलियोज भी इन्होंने इंजॉय किए। उस दिन कहते हैं जी कि 5 दिन पहले अगर आप मियाँ साहब को इजाज़त देते तो उन्होंने वो जाना था रूटीन की किसी फ्लाइट पे, चूंकि आपने डिले किया तो अब हमने एयर एम्बुलेंस मंगवा ली है। मुझे तो इस लॉजिक की अभी तक नहीं समझ आई, काफ़ी टॉक शोज़ में बात भी हुई, बहरहाल उनकी ये बात बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और हम इसको डिनाई करते हैं, इस ये जो उनका एलिगेशन है, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फाल है। और इसमें मैं जस्ट एक छोटी सी बात, सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब जी, मैं अगर आप मुझे प्लीज अलाउ करें, आपको पता है इसका इनिशिएटर जो है ना वो अकबर एस बाबर साहब हैं, चूंकि ही वाज पार्ट ऑफ द पार्टी और बिल्कुल एक इंतहाई अहम जगह पे थे, तो अगर आप मेरे से पूछें तो आई कैन स्मेल अ रैट इन दिस थिंग कि कैसे वो इसके अंदर रहे, कैसे अकाउंट्स में पैसे आए और वही लेके तो जो है ना वो कहते हैं जी पैसे आए, ये इसमें कुछ है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आई होप कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन उन्होंने उनकी जानिब से जो इल्जाम लगाया गया अकबर एस बाबर की जानिब से, ठीक, उन्होंने 2014 में ईसीपी में फॉरेन फंडिंग केस जो है वो फाइल किया था और इल्जाम लगाया था कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की फंड्स है जो कि तकरीबन $30 लाख दो ऑफशोर कंपनीज के जरिए इकट्ठे किए गए हैं, ये रकम गैर कानूनी तरीके से यानी कि हुंडी के जरिए जो है वो भिजवाई गई है और पीटीआई के मुलाजमीन के अकाउंट से भेजी गई है। तो अब अगर इस केस का फैसला पार्टी के खिलाफ आता है तो क्या पार्टी और हुकूमत गैर मुअसर होती भी नजर आएगी हमें, जैसा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? मैं इसमें सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि चूंकि ये खुद उस वक्त एक इंतहाई, आपको पता है, इंतहाई अहम मुद्दे पे थे, मुझे अव्वल तो पता नहीं है कि, क्योंकि आई डोंट हैव द डिटेल्स कि ये पैसे किस तरह आए, क्या हुआ, और अगर आए हैं तो मुझे नहीं पता, मगर अगर आए होंगे तो आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इसमें अकबर एस बाबर साहब की शमूलियत आपको नजर आएगी और मैं इसको एक कॉन्स्पिरेसी समझता हूँ, इसको डिनाई करता हूँ। आई एम 100% श्योर कि ना ही इमरान खान और ना ही उस लेवल पे किसी को, अगर अव्वल तो चूंकि अब इसकी डिटेल्स नहीं है तो इसमें
बहुत ज्यादा मैं वो नहीं कर सकता, बहरहाल मुझे इसमें कहीं ना कहीं अकबर एस बाबर की इन्वॉल्वमेंट है। न्याजी साहब ठीक, आपकी आपकी बात आ गई यहाँ पर। गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी गैर मुल्की फंडिंग जो है उसकी तहकीकात शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी तलब कर लिया है। तो अब ये तो फिर आप लोग भी उसी बोर्ड में सवार नजर आ रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि रहबर कमेटी जो सेशन कर रही है कि डेली ग्राउंड्स पे हेयरिंग होनी चाहिए पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस में। देखिए जी, इससे पहले मैं एक बात करूंगा, मेरे भाई डोगर साहब हैं, मेरे ख्याल में डोगर साहब ने कहा है कि जी धरने की वजह से या लॉन्ग मार्च की वजह से, अपोजिशन के लॉन्ग मार्च या धरने की वजह से कश्मीर का मसला पीछे चला गया है। तो मेरे भाई, मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि कश्मीर के लिए इन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने कोई डेवलपमेंट की, क्या आपको कश्मीर पे कोई मुज़ाकरात किए, कोई इंटरनेशनल लेवल पे आपने कोई ऐसी लॉबिंग की है, और जो जनेवा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था उसमें आपने नाकामी के करारदाद पेश करे, वो आप पेश नहीं कर सके, उसके अलावा आपने किन किन मुल्कों की हमायत हासिल की है, ज़रा वो बता दें। और फिर मीडिया सारा और ये कैमरा सारा इनके अंदर है ना, अगर क्यों धरना और इसकी कवरेज क्यों होती है, कश्मीर की इशू को उजागर रखें, इस धरने को ना दिखाएं और लॉन्ग मार्च को ना दिखाएं। दूसरी है फॉरेन फंडिंग केस, देखो ये ताल में काला है, इसलिए तो ये बार बार कह रहे हैं कि ये केस 5 साल से चल रहा है और हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे भी दिया, हाई कोर्ट ने दोबारा कहा है कि जी इस केस को सुना जाए, और ये बाजिद है कि जी इसको जो है इन कैमरा सुना जाए। आखिर क्या चीज़ है जिसकी इतनी पर्दादारी है? हमने तो सारे कौन हम कभी हमें तलब करेगी सिक्योरिटी के लिए तो हम कहेंगे बिल्कुल हम हाजिर हैं, जो जो हमारे कौन से पेश करेंगे। ये क्यों घबरा रहे हैं? आखिर कुछ तो चीज़ है जिसके लिए सिर्फ घबरा रहे हैं। और अब मेरे भाई ने भी हम पीपल्स पार्टी का भी पर्सपेक्टिव लेंगे इस मामले के हवाले से। और यहाँ पर हसन मुर्तजा साहब, अब ये जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है, पहले तो ये बताएगा कि ये कितना अहम केस साबित हो सकता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए या उसको डैमेज करने के लिए। और फिर दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात शुरू कर दी है, तो ये तो, और आप लोगों को तो नोटिस भी जा चुके हैं, तो फिर ये क्या तीनों ही पार्टीज एक ही बोट में सवार होती नजर आ रही है फॉरेन फंडिंग के हवाले से? नीलम, में थोड़ा सा डोगर साहब बड़े मोहतरम है हमारे लिए, उन्होंने एक बात की है कि अदलिया के हवाले से खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो। शान तो किसी की भी नहीं होती, एक एहतराम होता है जो अदलिया के लिए है और होना भी चाहिए। अगर हमारा उनसे वो एहतराम का जो नाता है वो भी ख़त्म कर बैठें तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क जो है वो बग़ैर अदल के जो चलते हैं वो अनारकी होती है। ये पहला टाइम नहीं है, इस दफ़ा भी खान साहब ने नाम लेके, जस्टिस गुलजार साहब का भी और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का भी नाम लेके उन्होंने मुखातिब किया, और डायरेक्शन भी उन्होंने मीडिया पे दी है। वो मीडिया में शायद आपके पास भी क्लिपिंग मौजूद हो, वो मीडिया पे भी चल रही है। और इससे पहले भी जब आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस उन्होंने ट्रांसफ़र किए यहाँ पे पंजाब के अंदर और पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि वहाँ की नैब पर, वहाँ की ट्रायल कोर्ट्स पर, वहाँ की सुपरवाइजरी कोर्ट्स पर सिंध गवर्नमेंट असरअंदाज होने का ख़तरा है, इसलिए हम उन्हें यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वो केसेस उन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र किए, उस वक्त भी मिसट्रस्ट था उन्हें अदलिया पर भी और अपने इदारों पर भी, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी। उसके बाद आपने जो सवाल किया कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी इन केसेस से नहीं भागी, ना इंक्वायरी से भागी है, ना जुडिशरी के सामने। हमने तो मुश्किल फैसले भी अपने तहफ़ुज़ात के साथ तस्लीम किए और एहतरामन आज तक किसी कोर्ट के ऊपर, किसी फाजिल जज के ऊपर हमने तंकीद तक नहीं की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। ऑलराइट, हम मूविंग ऑन। यहाँ पर हम आज देखते हैं जो मीडिया टॉक की गई है वजीर तवानाई उमर अयूब साहब की जानिब से, उन्होंने कहा है कि माजी की हकूमती पॉलिसीज के बायस महंगी बिजली पैदा
की गई और मुस्लिम लीग नून ने 17 रुपए यूनिट की महंगी बिजली बनाई, जबकि 3,500 मेगावाट मुतबादल जो तवानाई थी उसके मंसूबे खत्म किए। तो मैं यहाँ पर अगर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब आपसे शुरुआत कर दूं कि सिंस मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जा रही है और हमें आज उमर अयूब साहब बताते हुए नजर आए हैं कौम को कि क्या वजह है महंगाई की, कि मुस्लिम लीग नून ने जो 17 रुपए का यूनिट था और उसकी आपने 17 रुपए यूनिट की महंगी बिजली पैदा की थी जिसकी वजह से जो है 3,500 मेगावाट जो है वो मुतबादल तवानाई के मंसूबे जो है वो खत्म किए गए। देखिए जी, हमेशा चाहे उमर अयूब साहब हो चाहे जो भी काबीन का मिनिस्टर हो, इनको झूठ बोलने की आदत है और हकायक अवाम से छुपाते हैं। अभी माशी हालात जो आपके सामने है उसको जो फिगर है अवाम को खुश करने के लिए कहते हैं कि जी फिस्कल डेफिसिट इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। उधर से खबर आती है कि टमाटर जो है इतने महंगे हो गए और ये टी वी पर आ कहते हैं 17 रुपये हो गए। ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिलों में पैदा करते हैं और झूठ बोलते हैं। देखो, जब हमें हुकूमत मिली जो उस वक्त तवानाई के सख्त बहरान था, 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, उस वक्त हमने तो फॉरन एक्सपर्ट्स बनाए अपने और बिठा के एक प्लान बनाया, एक शार्ट टर्म मसूबे बनाए, एक लॉन्ग टर्म। शार्ट जो सस्ते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कोई भी डैम बनाओ जब पानी से बिजली पैदा करे वो 10 साल लगते हैं, क्योंकि अगर हम सारे उस वक्त करते तो 10 साल लोग लोड शेडिंग के शिकार रहते, 10 साल इंतजार पे करते, बल्कि उस पर कंसेंसस डेवलप करना। अब दियामर बादशाह टाइम अहमद जैम का भी कोई बुनियाद भी पूछ लेते हैं हम यहाँ पर हुकूमत से भी, हमने इसीलिए पहले मौका लिया अपोजिशन का, मेरी बात मुकम्मल कर लें, आप जल्दी अगर मुकम्मल कर लें तो जो जी हमने शार्ट टर्म मसूबे बनाए और हम चैलेंज करते हैं। अगर ये विंड से बनाए, हमने विंड पावर भी से किया, हमने कोल से भी किया और तमाम जो भी जरा हो सकते थे किया, और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर क्या ये आपका पर्सपेक्टिव आ गया। यहाँ पर हाशिम डोगर साहब, क्यों आखिर हमें जो उमर अयूब साहब है वो आज कहते हुए नजर आए हैं कि माजी की हुकूमती पॉलिसीज के बायस महंगी बिजली जो है वो पैदा की गई, और अभी हमने मुस्लिम लीग नून का भी पर्सपेक्टिव ले लिया जिसके बारे में आपकी जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो महंगी बिजली बनाई है। देखिए, इसमें क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर हैं, उनका ये महकमा है, तो मैं समझता हूँ सेनेटर साहब हैज़ ऑल द राइट ये असम्बली में सवाल डालें, उनसे कहें कि ही शुड प्रूव व्हाट ही हैज सेड, वो डाटा लेकर आएं, उसमें दिखाएं कि क्या एनोमलीज थी, कितनी महंगी थी और हम कितनी सस्ती लेके आ रहे हैं। आई थिंक ये तो वही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। बहरहाल, आपको पता है कि क्राइसिस थे, ये खुद भी फरमा रहे हैं कि जब इन्होंने हुकूमत पीपल्स पार्टी से ली तो बहुत ही बुरे हालात थे, और जब हमने इनसे ली तो शायद उससे भी ज़्यादा अपेरेंटली चीज़ें कुछ और थीं, अंडर द कारपेट चीज़ें कुछ और मूव करनी थी, बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स कंसीव किए गए। बहुत अच्छी बात है, सरप्लस है, इसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हुई, इसमें बहुत ज़्यादा चोरी चकारी रोकी गई, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रोका गया, इसमें लाइन लॉसेज कम किए गए, जो मिसमैनेजमेंट थी उसके ऊपर हाथ डाला गया, हमने बिल्कुल अकरबा परवरी नहीं की, मस्जिदों में ऐलान कराया कि जो बिजली चोरी करेगा। यहाँ पर हसन मुर्तजा साहब, ऑलराइट हाशिम डोगर साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया, लेकिन हसन मुर्तजा साहब, अब जो नेप्रा है उसने 17 बिलियन और 20 करोड़ रुपए का बोझ अवाम पर डालने की जो दरख्वास्त है उस पर अपना फैसला महफूज कर लिया है, और कंपनीज ने मुतालबा किया है कि बिजली 17 पैसे पर यूनिट जो है मजीद महंगी की जाए। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ये उनकी नाअहली का बोझ जो है ये आम अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? देखें नीलम, कोई चीज़ भी आप पकड़ेंगे इस हुकूमत की तो यही जवाब देंगे कि ये सबका हुकूमतों ने और 70 साल की जो चोरी है वो हम पकड़ रहे हैं और हम डाके वो पकड़ रहे हैं और हम ये करप्ट लोग हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, यही इनका एक नारा है। मैं पूछता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून ने बिजली महंगी बनाई थी तो इन्होंने अपने 14 महीने या 15 महीने के अंदर 4 दफ़ा तो ये रेट बढ़ा चुके हैं, अब फिर नेप्रा जो है वो रेट बढ़ाने की जो है वो सिफारिश कर रहा है, और ये पहली हुकूमत है, अगर आप इनका रिकॉर्ड निकलवा के दिखाएं तो ओग्रा सिफारिश करता था 1 रुपया रेट बढ़ाया जाए, ये कहते थे नहीं 3 रुपये बढ़ाया जाए।
इनका वो एक जो बड़ा ईमानदार चेहरा जिस तरह उनको बनाया गया, जिस तरह माहौल पैदा किया गया, जिस तरह प्री पोल रिगिंग की गई, जिस तरह दूसरों की करेक्टर असैसिनेशन की गई और इन्हें बड़ा नेक और पारसा और साफ़ सुथरा करके आगे लाए, इन्होंने लोटे भी इकट्ठे किए, इन्होंने करप्ट लोग भी इकट्ठे किए, चोर डाकू भी इकट्ठे किए, नैबजदा लोग भी इकट्ठे किए और उन्हें पीटीआई की वॉशिंग मशीन में धो के आज वो ईमानदार हैं। आप जाकर इनकी कैबिनेट देखें, उसमें पीटीआई का बंदा ही कोई नहीं नज़र आएगा। आपको सारे रेंट पे लिए हुए कोई पीपल्स पार्टी से, कोई नून लीग से, और वही लोग जिन पे ढेरों हज़ारों केसेस बने हुए हैं वो इनके साथ बैठे हुए हैं और वो ईमानदार हैं और वो टीवी पे आकर ईमानदारी के भाषण और लेक्चर दे रहे होते हैं। मैं पूछता हूं कि जब इस मुल्क में नवाज लीग ने और नवाज गवर्नमेंट ने गलत प्रोजेक्ट्स लगा के महंगी बिजली जो है वो कौम को दी, तो उसके बाद इन्होंने क्या मजीद पर आने की क्यों कह रहे हैं? जब असद उमर कहता था कि 40 रुपए का पेट्रोल दूंगा, आज ये क्यों 115 रुपए का दे रहे हैं? इन्हें 40 का देना चाहिए था। ये सारे अपने वादों से मुकर गए, ये सारी अपनी बातों से मुकर गए। इन्होंने अपना घर रेगुलराइज करवा लिया, गरीब का झोंपड़ा गिरा दिया इंक्रोचमेंट के नाम पे। देखें, बड़ा अफसोस होता है जब हमारे कोई भी भाई पीपल्स पार्टी पार्टी का सत्यानाश करके चंद अब मेरे इन भाई जैसे रह गए हैं। खैर, इनका हक बनता है ऐसी बातें करने का। हमारे पास जो लोग आए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई अफ्रीका की जमातें नहीं हैं। अगर हमारे पास आए तो इसमें क्या, जब तक वो पीपल्स पार्टी में थे तो वो बहुत अच्छे थे, हमारे पास आ गए तो वो करप्ट हो गए, ऐसी बात नहीं। हमारे से वो हमारे से उनपे इल्जामात थे, नहीं नहीं हमारे साथ। आप बताएं फिरदौस आशिक अफगान पे इंक्वायरीज नहीं, आप बताएं बाबर अवान साहब पे इंक्वायरीज नहीं थी? एक ही केस में दो डिसीजन आए, बाबर अवान साहब आपने पूरी बात की अब मुनासिब नहीं। चले माजरत जी, आप बात करें, मैं माजरत हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये केसेस थे उनपे। डोगर साहब, हसन मुर्तजा साहब और गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब का हमें ज्वाइन करने का, नाज़रीन हमारी नजर रहेगी कि क्या अब बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी नाअहली का बोझ या जो थेफ्ट है, बिजली का थेफ्ट है, चोरी है, उसका बोझ भी क्या अवाम पर ही लादा जाएगा या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।